लास्ट वीक से बाइबल स्टडी शुरू किया है और हम परमेश्वर के वचन से बहुत सारे चीज हम सीखे हैं। डीपर ट्रूथ्स यहाँ पर लिखा है हमारा, डाइविंग डीपर इनटू द वर्ल्ड ऑफ गॉड्स होली स्क्रिप्चर्स। तो हम बहुत सारी ऐसी चीज सीखे हैं जो हम नहीं सीख सकते, और परमेश्वर हमको बहुत सारे और ऐसे वस्तुएं सिखाएंगे जैसे हम और आगे जाएंगे। तो पिछली बार हमने देखा था यीशु मसीह वचन है, यीशु मसीह जीवन है, और यीशु मसीह लाइट यानी रोशनी, प्रकाश, प्रकाश ठीक ज्योति। है। तो यीशु मसीह वचन है, यीशु मसीह जीवन है, और यीशु मसीह रोशनी है। तो जो हमने पिछली बार देखा था कि यीशु मसीह एक रोशनी है, तो आज का भाग जो है यीशु मसीह रोशनी या यीशु मसीह मसीह प्रकाश है। तो आप प्रकाश के बारे में क्या जानते हैं, मतलब प्रकाश क्या है? प्रकाश एक सोर्स ऑफ लाइफ है, मतलब प्रकाश के द्वारा हमको जीवन मिलती है और प्रकाश के द्वारा हमको हम देख भी सकते हैं, चीजों को जान सकते हैं कि क्या चीज है। और कोई प्रकाश के द्वारा हमको मुक्ति मिलती है, क्या मिलता है? एनर्जी, एनर्जी मिलता है। ओके, एनर्जी मिलता है। और इट गिव्स लाइट इन द डार्कनेस। इट गिव्स लाइट इन द डार्कनेस। ओके, लाइट इज लाइफ, विदाउट लाइट देयर इज नो लाइफ। ओके, लाइट इज लाइट। ओके, तो लाइट इज लाइफ, लाइट इज लाइफ, विदाउट लाइट देयर इज नो लाइफ, लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट लाइट। Life, life is not possible without light. Okay. Yes, even for the plant to grow, we need light. Okay. Yeah, sunlight. तो हम देखेंगे कि प्रकाश क्या है, लाइट, व्हाट इज लाइट। तो लाइट एक एनर्जी है, एक शक्ति है जिसके अंदर पावर है, और लाइट इज अ वेव भी, वेव फॉर्म में हमको साइंस सिखाता है। और जहाँ पर लाइट यानी जहां पर प्रकाश नहीं है वहां पर हम कुछ नहीं देख सकते। तो जैसे ही पूरा अंधेरा हो जाता है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और जहाँ जो दिन मून नहीं रहता और कुछ भी लाइट नहीं है, तो पूरा का पूरा अंधेरा रहता है और हम कुछ भी नहीं देख सकते। और जैसे ही प्रकाश आता है तो हम कुछ देखते हैं, मतलब जहाँ जैसे ही प्रकाश आता है हमारे आंखों की जो रेटिना है वो कुछ डिटेक्ट करती है कि कुछ है, तब भी हमको मालूम पड़ता है कि कुछ है। ओके, तो हमने सीखा कि यीशु मसीह प्रकाश है। ओके, तो यीशु मसीह प्रकाश है। तो आज हम देखेंगे 4 से 11 वचन तक, और इधर लिखता है 4 वचन में, इन हिम वॉज लाइफ एंड द लाइफ एंड दैट लाइफ वॉज द लाइट ऑफ ऑल मैनकाइंड। तो यहाँ पर लिखता है कि उसमें जीवन था और वो जीवन सब प्रकाश, सब जीवन के लिए वो प्रकाश था। ओके, तो यीशु मसीह रोशनी या यीशु मसीह प्रकाश है, और जब भी यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में रोशनी आ जाती है, क्योंकि वो सोर्स ऑफ ऑल सोर्स है, रोशनी का सोर्स है, प्रकाश का। तो उसके द्वारा हमको रोशनी मिलती है। तो यहाँ पर लिखता है कि जीसस क्राइस्ट द डिवाइन पावर इन द स्पिरिचुअल रियम, मतलब जब हम आत्मिक जीवन का बात करते हैं हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता जब तक यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं आता। तो यीशु मसीह के बिना आप
आत्मिक जीवन में जीरो है, आप आत्मिक में जीवन में कुछ भी नहीं जान सकते। और आत्मिक जीवन अगर आप जानना चाहते हैं तो यीशु मसीह के पास आना है, क्योंकि जब यीशु मसीह की रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है तो यीशु मसीह हमारे आत्मा को रोशनी देता है। हम जैसे हम अंधेरे में हैं वैसे हम उजाले में आते हैं, वैसे यीशु मसीह हमको हमारे जीवन में आने के बाद हमारा जीवन इल्यूमिनेट बोलते हैं उसको, मतलब रोशनी या उजाला या प्रकाश देता है, तो हमारा जीवन बदल जाता है। तो अगर यीशु मसीह को हमारे जीवन से निकाल दिया तो हमारा जीवन एक आत्मिक स्थिति में फंक्शन होना लगता है, क्योंकि उसके बिना हम कुछ नहीं है। तो यीशु मसीह के बिना इधर लिखा है अपार्ट फ्रॉम हिम देर इज नो वर्ड फ्रॉम गॉड, देर इज नो लाइफ एंड देर इज नो ट्रू अंडरस्टैंडिंग। तो उसके बिना, यीशु मसीह के बिना आप परमेश्वर को नहीं जान सकते, परमेश्वर को वचन, परमेश्वर का वचन को नहीं जान सकते, परमेश्वर यीशु मसीह के बिना हमारे जीवन में जीवन हमको नहीं मिलता, और हमको सही समझ नहीं मिलता। सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है, और जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तब हमारे जीवन में रोशनी आ जाती है, तब हमारा जीवन बदल जाता है। जीसस इज द लाइट दैट ओवरपावर्स द डार्कनेस। तो यीशु मसीह हमारे जीवन में आने के बाद पूरा उजाला हो जाता है। तो ये जो रोशनी है, ये जो सोर्स ऑफ ऑल पावर यानी पूरी शक्ति, ये रोशनी की जो शुरुआत है यीशु मसीह के द्वारा ही हमको मिल सकती है, और दुनिया में कोई भी रास्ता नहीं है जिसके द्वारा हमको रोशनी मिल सकती है, जिसके द्वारा हमारा आत्मिक जीवन में परिवर्तन आ सकता है, हमारे आत्मिक जीवन में हम परमेश्वर कौन है ये जान सकते हैं। तो यीशु मसीह सोर्स ऑफ ऑल लाइट, ओके, तो ये आत्मिक जीवन की रोशनी है। तो ये जो रोशनी है ये कभी इसको किसी ने बनाया नहीं, ये अनंत कालिक तक है, ये शुरुआत से था परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर से अलग लेकिन परमेश्वर है। इसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम देखते हैं कि एवरीथिंग, मतलब सब कुछ जो है और जो बनाया है वो यीशु मसीह के द्वारा बना है। द अनक्रिएटेड वन, द इटर्नल वन, हु वाज इन द बिगनिंग वाज विद गॉड, डिस्टिंक्ट फ्रॉम गॉड येट वाज गॉड, ही इज द वन who created everything that exists and nothing comes into existence that he did not create. So, यीशु मसीह जो है उसमें ही जीवन है, और वो जीवन हमको जीवन देता है, और वही रोशनी है, वही उजाला है, वही प्रकाश है। तो हमारा जीवन अगर रोशनी में आना है, सही मार्ग पे हमको चलना है, सही दिशा में हमको चलना है, जो परमेश्वर चाहता है वही हमको करना है, तो हमको यीशु मसीह का जरूरत है। तो यीशु मसीह के बिना हम आत्मिक जीवन में पूरे अंधेरे में हैं। ओके, तो ये रोशनी क्या करती है, ये रोशनी क्या करती है, यीशु मसीह क्या करता है? तो यीशु मसीह जो रोशनी है वो हमको गॉस्पल मिनिस्ट्री में, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, सुसमाचार, सुसमाचार में हमको, यस,
Yeah, you have to speak a little bit in English also. English and Hindi. Okay. ये रोशनी जो है हमको सुसमाचार सही सुसमाचार देने के लिए मदद करता है. रोशनी हमको मसीहा कौन है वो सिखाता है. रोशनी हमको सही जो पापी है उनका सही नेचर यानी उनका व्यवहार बताता है. रोशनी हमको परमेश्वर का नेचर यानी हिंदी में नेचर क्या है स्वभाव हमको दिखाता है. तो जीसस द डिवाइन लाइट द लाइट विच विल इल्यूमिनेट द ट्रूथ रिगार्डिंग द गॉस्पल. सो इट विल टेल अस how to do gospel ministry. The light will shine and reveal the very nature of the savior. So it will show us what the savior is because the light itself is the source. And the light will shine and reveal the nature of sinners because the light will show a sinner how sinful he is. And also when it lights the dark world, it shows how much sin is there in the world. The light will illuminate the nature of God. The light will show what God is. Okay? तो आगे तो जब हम वचन 6-8 तक पढ़ते हैं उसमें लिखता है कि एक मनुष्य था जो परमेश्वर की तरफ से भेजा था जिसका नाम योहान था. There was a man sent from God whose name was John. Okay? So he came as a witness to testify concerning the light so that through him all might believe. He himself was not the light, he came only as a witness to the light. So there was a man whose name was John. He came as a witness to the light and through him that through the light all might believe. And he himself was not the light, he came only as a witness to the light. So John came only as a witness to the light. So this John is John the Baptist. We are talking about John the Baptist. So ye Johan jo yahan par hai wo Johan jo baptisma dene wala Johan hai, ek manushya jo parmeshwar ne bheja tha, wo ek gawahi करके आया था. हाँ, एक गवाह करके आया. क्या गवाही कि ये लोग किस पे विश्वास करें? यीशु मसीह पे विश्वास करें. लास्ट टाइम हमने देखा कि थीम क्या था. योहान 20:31 वचन जॉन चैप्टर 20:31 इज द थीम ऑफ द बुक एंड इट सेज दैट दिस थिंग्स आर रिटन सो दैट यू माइट बिलीव ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. तो ताकि हम विश्वास करें. और योहान आया था ये प्रकाश के बारे में बताने के लिए. तो योहान हमको बताता है कि आप ये प्रकाश पे विश्वास करो. तो वो अपने बारे में नहीं बताता, वो खुद के बारे में नहीं बताता, लेकिन वो पूरा फोकस यीशु मसीह पे डालता, वो पूरा फोकस वो रोशनी पे ही, वो ज्योति पे डालता है. तो वो बोलता है कि वो जो रोशनी है, वो जो लाइट यीशु मसीह है, उस पे आप ध्यान दे दो. तो एक मॉडल है गॉस्पल मिनिस्ट्री का, सुसमाचार का. अ मॉडल ऑफ गॉस्पल मिनिस्ट्री इज हिज पर्पस इज टू कॉज पीपल टू बिलीव दैट जीसस इज द क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड एंड बिलीविंग हिम believing have life in his name. That becomes the mission of every true believer. So every true believer should preach about Jesus Christ. The mission is you are focusing on Jesus Christ. So aapka ministry, aapka mission kya hai? Aap Yeshu Masih ke upar focus karna hai. Aap Yeshu Masih ko dikhana hai ki ye sabse महान, सबसे ऊंचा
और इसी से आपको उद्धार मिल सकता है। तो यही जॉन के बारे में हमको दिखाई देता है। तो ये जॉन का मिनिस्ट्री जो है एकदम हम्बल मिनिस्ट्री है। तो एक मॉडल हमको मिलता है प्रचार का, एक मॉडल मिलता है हमको सुसमाचार का। तो सब कुछ जो हमारा सुसमाचार है वो प्रकाश के बारे में है, वो यीशु मसीह के बारे में। गॉस्पल मिनिस्ट्री इज ऑल अबाउट द लाइट जीसस क्राइस्ट। इट इज गिविंग द फैक्ट्स द ट्रूथ्स द एविडेंस कंसर्निंग हु ही इज व्हाई ही केम एंड व्हाट ही हैज डन। तो यीशु मसीह के बारे में हम बताना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के बारे में, वो प्रकाश के बारे में, उनको सत्य क्या है, एविडेंस यानी क्या कैसा उसने किया और उसका कारण और सब कुछ यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर हम बता सकते हैं। तो ट्रू नेचर ऑफ क्रिश्चियन मिनिस्ट्री एस्टेब्लिश्ड हियर एज बीइंग क्राइस्ट डोमिनेटेड, क्राइस्ट सेंटर्ड। तो पूरा जो गॉस्पल सुसमाचार बताते हैं वो यीशु मसीह पे बांधा हुआ है और यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि योहान जो बपतिस्मा देने वाला है, योहान भी यही बताता है। अगर हम वचन 15 पढ़ते हैं, योहान जॉन चैप्टर 1 वर्स 15, ही दैट कम्स आफ्टर मी इज प्रिफर्ड बिफोर मी फॉर ही वाज बिफोर मी। तो जो योहान बपतिस्मा देने वाला है वो बताता है कि जो मेरे पीछे आएगा वो मेरे से महान है और मेरे से ऊंचा है। तो ये एक हम्बल नेचर है योहान का, एक आदिम होके योहान बोलता है कि यीशु मसीह के बारे में बताता है, यीशु मसीह के ही बारे में बताता है। और एक वचन हम देखते हैं 29 वचन, बिहोल्ड द लैंप ऑफ गॉड विच टेक्स अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड। ये जो लैंप यानी मेमना, ये जो मेमना है परमेश्वर का जो पूरी दुनिया का पाप लेके जाएगा। तो इस योहान ये भी कहता है कि उसके मैं पैरों के जूते खोलने के भी लायक नहीं हूँ। तो इन योहान इन जॉन द बैप्टिस्ट मिनिस्ट्री वी हैव सीन दैट ही इज अ हम्बल मिनिस्टर ऑफ गॉड who exalt Jesus Christ and says he is not even worthy to tie the lace of his shoe. And he says he is preferred before me for he is before me. And he points everything to the Savior, to Jesus Christ. So Christ alone dispels darkness. So Yeshu Masih akela hi hai jo andhakar ko hata sakta hai. Hamare jeevan mein andhakar hai, हमारे जीवन में गलत है, हमारे जीवन में पाप है, सबको हटाने वाला सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह अकेला है। तो जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं तो हमको हमारे जीवन में उजाला आ जाता है। When we go to Jesus Christ gives us light and all the darkness from us is vanished away. And when we give the true and accurate and complete testimony of the Lord Jesus Christ, we are loyal and faithful. तो हम जो गवाही बताते हैं, जैसा योहान जो बपतिस्मा देने वाला है वो गवाही बताता है, तो वो यीशु मसीह के बारे में पूर्णता से एकदम एक्यूरेट, एकदम सही क्या है वो ही बताता है और सही शिष्य है। ओके, तो एक हमने देखा कि मॉडल ऑफ गॉस्पल मिनिस्ट्री, तो यीशु मसीह हम जब वचन 9 पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखता है कि ये रोशनी, ये प्रकाश रोशनी देता है,
सच्चा प्रकाश है. ओके द लाइट शाइन्स ऑन द लाइट इटसेल्फ. सो द लाइट इज द सोर्स एंड ऑन दैट eminent, all glorious emanation from God. The glory of God shines in him more brilliantly than the tradition and consequently enlightens everyone who sees him for who he is. तो परमेश्वर की जो महिमा यीशु मसीह में जितना हम देखते हैं वो और कहीं पर भी हमको दिखाई नहीं देती. तो जो फॉर एवरी मैन हु ट्रूली सीज क्राइस्ट देर इज कम्प्लीट एंड एनलाइटमेंट अबाउट हु ही इज विच वॉज नॉट अवेलेबल इन द ओल्ड टेस्टामेंट. तो हम देखते हैं कि जो पुराने नियम में नहीं था वो जो नहीं देख पाते थे वो हम देख सकते हैं, वो यीशु मसीह में हम देख सकते हैं. यीशु मसीह के द्वारा हमको पूर्णता से हमारे जीवन में रोशनी, हमारे जीवन में उजाला आ जाता है और हमारा जीवन बदल जाता है. योहान 8:12 वचन कहता है कि मैं संसार का प्रकाश हूँ और जो मेरा जो मेरे पीछे आएगा वो कभी भी अंधेरे में नहीं होगा. ओके तो व्हेन जीसस सेज आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड नो मैन हु फॉलोज मी विल एवर वॉक इन डार्कनेस. तो एनीवन हु फॉलोज जीसस will never ever walk in darkness. There will be only light in his life. And the light of salvation shines only in Jesus Christ. So what light Jesus gives us, we get salvation, we get life. So Jesus, through Jesus we get life. So Yeshu Masih ke dwara humko uddhar milta hai. Yeshu Masih ke dwara humko jo roshni, hamare jivan mein jo prakash aata hai, और हम वो प्रकाश में चलते हैं. हम जो सही है वही करते हैं क्योंकि यीशु मसीह हमको प्रकाश दिखाता है, हमारा जीवन बदल जाता है और हम उद्धार पाते हैं. ओके तो यीशु मसीह अपने आप को कैसे संसार को दिखाए, तो वचन 10 लिखता है ही वॉज इन द वर्ल्ड एंड थ्रू दो द वर्ल्ड वॉज मेड थ्रू हिम द वर्ल्ड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम. तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह दुनिया में था लेकिन दुनिया ने उसको पहचाना नहीं, उसने दुनिया को बनाया और 33 ईयर्स वो दुनिया में था, 33 साल वो दुनिया में था, 30 साल वो नाजरत में था, लोगों के साथ था और जब वो पहली बार प्रचार करने के लिए आया तो लोगों ने उसको मारना चाहा. 3 साल उसने मिनिस्ट्री किया इज़राइल में, सब तरह का दर्द, सब तरह का डिजीज, डिजीज यानी हिंदी में रोग पीड़ा और रोग और सब तरह का शैतान की शक्ति उसने हराया और उसकी शक्ति, उसका परमेश्वर होने का रूप स्वरूप हमको दिखाई देता है. तो ये जो संसार है वो एकदम पाप में, एकदम शैतान की शक्ति और ताकत में डूबा हुआ है और उस एक पूरा हम अंधकार में है और सिर्फ यीशु मसीह वहाँ पर हमको इसके ऊपर अधिकार चलाता दिखाई देता है. तो गॉड जीसस क्राइस्ट केम इनटू द वर्ल्ड, 30 इयर्स ही वाज इन नजरेथ, 3 इयर्स ही मिनिस्टर्ड इन इज़राइल, बैनिश्ड इलनेस, बैनिश्ड डेमन्स, डेमोंस्ट्रेटेड हिज पावर ओवर नेचर, ही वाज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, गॉड इन ह्यूमन फ्लैश, ही वाज द इनविजिबल गॉड मेड विजिबल. And this light, this Jesus, came to our dark world with demonic activities, sin and ignorance. He came to oppose and destroy the works of darkness. So, Yeshu Masih जो हमारे दुनिया में आया ताकि ये जो अंधकार की बातें थी
ये शैतान की युक्ति थी ये पाप था उसको हटाने के लिए और उसके ऊपर यीशु मसीह ने अधिकार चलाया। और ये सब हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में जो यीशु मसीह ने किया और फिर भी लोगों ने उसको नहीं पहचाना। ओके तो ये जो शक्ति ये जो प्रकाश है वो पापियों का सही पापियों का नेचर स्वभाव स्वभाव पापियों का स्वभाव हमको दिखाता है। तो वर्स 10 कहता है द वर्ल्ड डिड नॉट नो हिम ही केम टू हिज ओन एंड दोस वेयर हिज ओन डिड नॉट रिसीव हिम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके खुद के लोग जो थे उसने भी उनको माना नहीं वो जो लोग यहूदी थे। तो जब हम यिर्मयाह का 17:9 पढ़ते हैं तो हमको मालूम होता है कि जो हमारा हृदय है एकदम पापी है। द हार्ट ऑफ अ मैन इज डिसीटफुल अबाउ ऑल थिंग्स एंड डेस्परेटली विकेड एंड द मैनकाइंड इज कर्स्ड एंड फुल ऑफ सिन। तो हम देखते हैं कि लोग पाप में हैं लोग पाप करते हैं और गलत करते हैं लेकिन यीशु मसीह जब दुनिया में आया वो पूरी अंधकार को मिटा दिया और जो पापी है उनको अपने पाप दिखाया। तो बहुत लोगों ने एक्सेप्ट मान दिया और बहुत लोगों ने नहीं माना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि his own did not receive him मतलब उसके खुद के लोग जो यहूदी थे जो परमेश्वर को मानने वाले थे उन्होंने भी यीशु मसीह को नहीं माना क्योंकि वो अपना जीवन बदलना नहीं चाहते। यहाँ पर कहता है कि उन्होंने संसार ने उसको जाना नहीं। और जब हम यूहान 3:19-20 पढ़ते हैं when we read John chapter 3:19-20 it writes that man loved darkness more rather than light or the love for the darkness was so much that they didn't want the light। जब हम यूहान 3:19 पढ़ते हैं यहाँ पर लिखता है कि मनुष्य ने अंधकार का प्रेम इतना किया कि जो रोशनी थी उस जो प्रकाश था उसका प्रेम नहीं किया उसको हटाया। तो आज मनुष्य अंधकार का प्रेम करता है। तो दुनिया में हम देखते हैं कि मनुष्य अंधकार में है और आत्मिक अंधकार आत्मिक मरण में है और उनको पाप पसंद है उनको अंधकार पसंद है और अंधकार से इतना लगा और इतना प्रेम है कि उनको रोशनी नहीं चाहिए। तो हम जो मनुष्य का जो फॉलन नेचर है यहाँ पर हमको दिखाई देता है जब यीशु मसीह जितना हम हमारे नज़दीक आता है और उसकी उजाला से हमको मालूम पड़ता है कि हम कितने गलत थे। तो बट नेवर इट इज मोर देन व्हेन पीपल नो अबाउट क्राइस्ट हैव द ट्रूथ इन देयर हैंड्स एंड रिजेक्ट हिम बिकॉज़ द लाइट हैज नेवर शोन इन सच ग्लोरियस ब्रिलियंस द पीपल हु प्लंज डीपर इनटू द पेनिट्रेटिंग डार्कनेस डेमोंस्ट्रेट द सिंफुलनेस ऑफ क्राइस्ट सॉरी सिंफुलनेस ऑफ सिन। तो जो यीशु मसीह के द्वारा जो पाप हमको दिखाई देता है और यीशु मसीह को जानने के बाद भी हम उसको रिजेक्ट करते हैं आफ्टर इवन नोइंग क्राइस्ट वी रिजेक्ट इट इज द वर्स्ट ह्यूमन डिप्रेविटी। तो ये होता है क्योंकि मनुष्य पाप में है ये मनुष्य का फॉलन नेचर है। तो उसके खुद के लोग
ऐसा लिखा है उसके खुद के लोगों ने भी उसको नहीं माना. His own did not receive him. यहाँ पर कहता है कि his own place, his own people, his own country, his own nation, his own town, and was rejected by his own people. ये सब थे यहूदी, तो यहूदी ने उसको माना नहीं. तो परमेश्वर को जान के भी, पूरा पुराने नियम में परमेश्वर उनके साथ था, ये सब जान के भी परमेश्वर को उसने नहीं माना. तो हम पुराने नियम में जब पढ़ते हैं कि इज़राइल के लोग, जो द गॉड ऑफ इज़राइल, द गॉड ऑफ अब्राहम, आइज़ाक, जेकब, द गॉड ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, इट वॉज द मोस्ट रिलीजियस पीपल ऑन द प्लेनेट. तो ये जो लोग थे सबसे धार्मिक लोग थे. हम इज़राइल के बारे में पढ़ते हैं, अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, आइज़ाक, जेकब, तो ये सब लोग इतने धार्मिक थे. और इनकी प्रजा जो परमेश्वर को मानने वाली थी, जिनके बीच यीशु मसीह आया, जिनके साथ यीशु मसीह 33 साल रहा, फिर भी इन लोगों ने उसको माना नहीं, उसको रिजेक्ट किया. तो ही केम टू हिज ओन एंड हिज ओन डिड नॉट रिसीव. तो उनके बीच आया लेकिन उनके बीच में लोगों ने उनको नहीं माना. तो लास्ट में कंक्लूजन हम देखते हैं कि प्रकाश के द्वारा हमको सही सुसमाचार क्या है मालूम पड़ता है. हमको हमारा उद्धार करता मालूम पड़ता है और हमारे पाप या पापी उनके बारे में मालूम पड़ता है. तो द लाइट इल्यूमिनेट्स द ट्रूथ अबाउट रिगार्डिंग गॉस्पेल मिनिस्ट्री, रिगार्डिंग द सेवियर हिमसेल्फ एंड रिगार्डिंग द सिनर.